सरकार की लापरवाही और अनदेखी के कारण पीडीएफ का हजारों टन गेहूं बारिश में भीग गया है। ये गेहूं मध्य प्रदेश से आंध्र प्रदेश भेजा जाना था। अब कोई भी जवाबदार ये नहीं बता पा रहा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर में अचानक मौसम के मिजाज बिगड़ने से हुई बारिश से हरपालपुर में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पीडीएफ का रेलवे स्टेशन पर खुले में रखा हजारों टन गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया। यह 16 लाख टन गेहूं छतरपुर जिले में खरीदी केंद्र से भारत सरकार की एफसीआई ने खरीदा था, जिसे रेल मार्ग से आंध्र प्रदेश भेजा जाना था, लेकिन अचानक हुई बारिश से यह हजारों टन गेहूं गीला हो गया। लेकिन जब मीडिया को पता चला तो भारत सरकार के ठेकेदारों ने इस गेहूं को बचाने के लिए पॉलिथीन की चादर डाली, लेकिन तब तक पीडीएफ का गेहूं पानी में तरबतर होकर गीला हो चुका था। अब जिम्मेदार अधिकारी इस मामले से लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ये जो गेहूं है एफसीआई की चादर का प्लान मतलब ही आया हुआ है, तो उसमें से एक रख जा चुकी है, दूसरा भी एफसीआई को प्रदान की जाएगी दूसरे रैक के लिए। तो ये हम तो एफसीआई को दे चुके हैं, तो ये एफसीआई की जिम्मेदारी उसको सुरक्षित रखें। एक्चुअली मेन नान ने एफसीआई को प्रदान कर दिया है, तो फिर भी हम उसके बाद जाँच करवा देते हैं, चेक करवा देते हैं कितना गेहूँ क्या कैसा है, स्थिति क्या है, किसी एफ को भेज कर वहाँ पर चेक करवा देते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में।